चैप्टर वन लेसन वन पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा ए एफ प्लस 5। यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या दी गई है, पूरी एक्सरसाइज में एफ की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है 4। सही है, अभी पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है ऊपर। अब यहाँ एफ की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 5। यहाँ पे हम एक लाइन पूरी लिख सकते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ, लेकिन अगर आपके टीचर लिखवाएं ठीक है, नहीं लिखवाएं तो फिर आप एज इट इज़ लिख देना। एफ़ की वैल्यू 4 माइनस 4 9, एफ़ की वैल्यू 4। अब देखा जाए तो ये हमारे पास प्लस की साइन आ रही है, तो 4 एंड 5 9, 4 में से 4 यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, कैंसिलेशन। अब ये हम अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद जी इसका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह 9 4 36, तो तीनों के हमारे आंसर्स आ गए। अब इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास f मौजूद है, यानी हम यहाँ 3 अपनी जगह लिखा रहने देंगे और f की जगह वैल्यू लगा देंगे 4 माइनस 8 एज इट इज़। 3 प्लस 5 f की जगह उसकी वैल्यू 4, यहाँ भी f की जगह f की वैल्यू 4 प्लस 2 अपॉन 3। सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लाई भी और माइनस भी, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 माइनस 8 दोनों को माइनस किया, आंसर आया 4। इसी तरह यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा और 5 4 20, 20 एंड 3 23। अब यहाँ पे प्लस भी है और डिवीज़न भी है, जब प्लस और डिवीज़न होगी पहले हम ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेंगे, यानी 4 एंड 2 6 अपॉन 3। जिस वक्त हमने ये लिखा हो तो अब आप ज़रा इसको देखें, ये कैंसिलेशन हो रहा है। कैंसिलेशन में क्या होगा, 3 1 3 3 2 6, तो हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पे, 2।